देश में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष व बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा निकाली। लखेश्वर बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रण नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए लगभग 60 किलोमीटर साइकिल पर यात्रा की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि एक तरफ जहां देश कोरोना संकट काल की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार पिछले 18 दिनों से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी किए जा रही है और बढ़ती कीमतों को नियंत्रण कर पाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है, ऐसे में बढ़ते दामों का सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ रहा है। बघेल ने कहा कि सरकार बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और इस पर नियंत्रण भी नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार के इस नीति के खिलाफ विरोध स्वरूप अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर लखेश्वर बघेल ने विरोध जताया है। विधायक ने यह साइकिल यात्रा आसना से लेकर बंकावंड ब्लॉक के जयवेल तक निकाली है जिसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। देश में भाजपा की सरकार 6 साल पहले हो चाहे 2 साल पहले हो, चाहे राज्य सरकार हो भारत सरकार हो, हम लोग गरीब किसानी की तीसरी सरकार है, लेकिन संक्रमण काल में लगातार 18-20 दिनों से पेट्रोल के दाम आसमान पे छू रहा है और डीजल के दाम, लेकिन ये सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उसके विरोध में हमने आज एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में साइकिल में जाकर अटेंड करेंगे, ऐसा एक संदेश देने के लिए सारे केंद्र सरकार के गलत नीतियों को विरोध करने के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।